आज हमारा नीम का पौधा पूरे एक साल का हो चुका है। आज इसकी सालगिरह है, आज इसकी बर्थडे। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरे एक साल का हो चुका है। बर्थडे वाला मैंने मजाक किया है, ये पूरे एक साल का हो चुका है। पिछले साल हमने 2020 के अंदर 10 जुलाई को इस गमले के अंदर शिफ्ट किया था, और आज है 2021 की 10 जुलाई, तो ये पौधा पूरे एक साल का हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद हारिस और गार्डनिंग विद जामियानी चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपडेट पूरे एक साल की। आपको याद होगा हमने पिछले साल 10 जुलाई को इस नीम के पौधे को इसके अंदर शिफ्ट किया था। इसके साथ एक और पौधा भी था, लेकिन वो हमने दूसरे गमले के अंदर शिफ्ट किया था और वो पौधा मैंने किसी को दे दिया था। तो मेरे पास अभी ये एक पौधा और एक और है, वो आपको दिखाता हूँ। तो इसकी ग्रोथ पूरे एक साल हो चुका है, 10 जुलाई को हमने इसको अंदर शिफ्ट किया था। वैसे तो ये पौधा तकरीबन एक साल और 15-20 दिन का हो चुका है, लेकिन जिस दिन से हमने इस गमले के अंदर शिफ्ट किया है तब से लेकर आज तक ये पूरा एक साल गुजर चुका है। 10 जुलाई को हमने शिफ्ट किया था और आज 10 जुलाई है, सॉरी ट्रांसप्लांट किया था, क्योंकि हमने रूट्स पूरी उसकी धो दी थी, मिट्टी हटा दी थी, फिर इसके बाद इसके अंदर लगाया था, तो उसको हम ट्रांसप्लांट करना कहेंगे। तो आज आप इसकी ग्रोथ देखें, पूरा एक साल हो चुका है, आज इसकी सालगिरह है, इसकी बर्थडे है। तो अभी आप इसकी ग्रोथ देख लें, यहाँ से इसके पत्ते बहुत ही अच्छे निकल रहे हैं और यहाँ से इसकी न्यू ग्रोथ हो रही है। अभी मैं कुछ बात कर लेता हूँ इसके हवाले से जो एक साल के अंदर इसके साथ हुआ। तो पिछले साल हमने 10 जुलाई को इस गमले के अंदर शिफ्ट किया था और तब से लेकर आज तक बारिश आई, और इसके अलावा सर्दियों में इसके पत्ते झड़े, इस तरह से पीले हो गए। फिर मार्च आने के बाद मार्च में इसके फिर से पत्ते आना शुरू हुए। और नाज़रीन, इसके साथ ही मैंने कुछ बीज ज़मीन में भी लगाए थे, वो मैं आपको आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर दिखाऊंगा। उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल गई है और वो 2 से 2.5 फीट के हो चुके हैं। और अगर ये भी ज़मीन में होता तो इसकी भी ग्रोथ इतनी बढ़ती, 2 से 2.5 फुट का एक साल के अंदर आराम से हो जाता, लेकिन क्योंकि ये गमला है तो इसीलिए इसकी ग्रोथ इतनी तो नहीं बढ़ी, खास नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। एक साल की अपडेट है ये पूरी, एक साल हो चुका है, आज इसकी सालगिरह है, तो पूरा एक साल गुजर चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी इसकी ग्रोथ। और इसके अलावा मैंने इसको कोई भी खाद नहीं दी है अभी तक, और डेली बेस पर मैं पानी देता रहा हूँ। जब भी सरफेस एरिया, मिट्टी का सरफेस एरिया ड्राई होता था तब ही मैंने इसको पानी दिया है, तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इसकी एक्स्ट्रा कोई केयर नहीं की, ना ही मिट्टी की गुड़ाई की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गुड़ाई, कितनी काई आ चुकी है, क्योंकि मैंने मिट्टी की गुड़ाई भी नहीं की। और इसका आप तना देखें, तना मोटा हो रहा है, और इसके अलावा ये वुडी बन चुका है, ये लकड़ी बन चुका है। और इसके अलावा आपको अभी दूसरा पौधा दिखाता हूँ जो कि मैंने प्लास्टिक की बोतल में लगाया हुआ है। ये आप देखें, ये भी नीम का पौधा है और ये मैंने प्लास्टिक की बोतल के अंदर लगाया हुआ है, और इसके ऊपर मैंने टेप लगा दिया था। तो इस पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं चली और ये पौधा भी एक साल का हो चुका है। और इस गमले के अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ चली, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया। तो इसके आप फिर से पत्ते देख सकते हैं, एक साल की अपडेट है ये पूरी। तो इसकी न्यू ग्रोथ यहाँ से भी हो रही है और यहाँ से भी इसकी न्यू ग्रोथ हो रही है। और इसके अलावा बस 1 से 2 बार मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, ऊपर से प्रूनिंग पिचिंग कर दी थी। जब पिछले साल अगस्त सितंबर का मौसम शुरू हुआ, अगस्त और सितंबर तकरीबन मेरे ख्याल से अगस्त था या सितंबर था, तो मैंने ऊपर से हल्की सी इसकी कटाई कर दी थी, यहाँ से इस तरफ से इसकी कटाई कर दी थी। तो यहाँ से एक शूट अलग निकली और यहाँ से एक शूट अलग निकली, तो यहाँ से 2 शूट निकली और हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे पत्ते हैं और यहाँ पर भी हमारे नीम के पौधे के बहुत सारे पत्ते हैं। तो इसी तरह से हम नीम के पौधे की पूरे साल केयर कर सकते हैं। बस सर्दियों में इसके थोड़े पत्ते झड़ जाते हैं, और इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी, नीम के पौधे के ऊपर कोई भी पेस्ट कीड़े का हमला नहीं होता, इसीलिए इस मामले में तो बिल्कुल ही घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता इसके ऊपर, ना हमला ना फंगस, कुछ भी नहीं होता। बस इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, बस नॉर्मल सा पानी देते रहें तो इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी। और इसके अलावा ये ज़मीन वगैरह पर लगा हो तो ये बहुत फ़ायदेमंद भी है,
क्योंकि ये हवा को साफ करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, और ये भी कहा जाता है कि ये रात को भी ऑक्सीजन रिलीज करता है, सुबह शाम हर वक्त ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छा पौधा है, और ये हर्बल प्लांट भी है, काफ़ी मेडिसिन में इसका यूज़ होता है, इसके सोप्स वगैरह भी मिलते हैं, साबुन वगैरह मिलते हैं। तो ये एक हर्बल प्लांट भी है और एक इजी टू ग्रो प्लांट भी है। अब आगे चल के इसको देखते हैं ज़मीन में लगाना है या तो फिर इसको इसी गमले में या थोड़े बड़े गमले में इसको बोनसाई की शेप देनी है। वो वक्त के साथ साथ हम देखते जाएंगे कि इस पौधे के साथ क्या क्या हमें दूसरी एक्टिविटी करनी है, क्या क्या इस पौधे के हवाले से हमें न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। तो बस आज के लिए तो इतना ही था, पूरे एक साल की अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपने अभी तक इसकी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो मैं सभी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। एक वीडियो के अंदर हमने इनको ग्रो किया था, सीडलिंग की थी, दूसरी वीडियो के अंदर हमने इनको ट्रांसप्लांट किया था, और एक और मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने ज़मीन वाले पौधे भी दिखाए थे और इसके अलावा इनकी अपडेट भी दी थी। तो आज आप इनकी ग्रोथ देख लें, ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल गई है, और इनकी जो आगे अपडेट रहेगी वो जल्दी आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। अभी मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।